मई 2023 के अंदर टोटल जो कार सेल्स है वो कितनी हुई थी, उसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, 10 नंबर के ऊपर जो कार सेल हुई थी वो है एरिटिका मारुति की। मारुति की जो एरिटिका कार है तो पेट्रोल के अंदर आती है और वो टॉप 10 के अंदर 10 नंबर के ऊपर एरिटिका की सेलिंग रही है। एरिटिका एक नंबर पर भी आ सकती है, लेकिन आप सबको मैं बता देता हूँ कि जो एरिटिका की जो वेटिंग पीरियड है वो 8 से 10 महीने का है, उस वजह से ये टॉप 10 नंबर के ऊपर रही है। अगर प्रॉपर तरीके से इसकी वेटिंग ख़त्म हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली जो कार है वो एरिटिका ही रहने वाली है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एरिटिका की मई 2023 के अंदर क्या सेल थी। तो एरिटिका की मई 2023 के अंदर 10,528 यूनिट कार सेल हुई थी और एरिटिका ओनली पेट्रोल के अंदर ही आती है। अभी बात करते हैं 9 नंबर के ऊपर जो गाड़ी रहने वाली है वो है टाटा मोटर्स की पंच। जी हाँ, पंच भी ओनली पेट्रोल के अंदर ही आती है। और उसकी जो कार सेल्स की बात करें, टाटा पंच जो लास्ट मंथ सेल हुई थी उसकी जो टोटल यूनिट रहने वाली है वो 11,124 यूनिट टोटल कार सेल्स हुई थी। अभी 8 नंबर की कार की बात करें कि 8 नंबर के ऊपर कौन सी गाड़ी सेल हुई थी, वो मारुति की पेट्रोल कार है। सेडान सेगमेंट के अंदर ये कार रहने वाली है, मारुति की जो सबसे सक्सेसफुल एक कार बोल सकते हैं, मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर, जिसको रिसेंटली हम डिज़ायर ही बोलते हैं। इस कार की यूनिट की बात करें तो 11,315 यूनिट मई के अंदर 2023 के अंदर सेल हुई थी। अभी बात करते हैं 7 नंबर के ऊपर कौन सी कार रहने वाली है, ये भी मारुति की एक कार है। 7 नंबर पे मारुति की इको कार रहने वाली है, जो आप कमर्शियल यूज के अंदर ये कार आती है। और इसके यूनिट्स की बात करें तो इस गाड़ी की जो यूनिट है 12,818 यूनिट इको की मई 2023 के अंदर सेल हुई थी। ऊपर बात करते हैं तो 6 नंबर के ऊपर भी मारुति की ही कार है, मारुति की ब्रेजा ये कार रहने वाली है। मारुति की जो ब्रेजा है वो भी ओनली पेट्रोल के अंदर ही आती है, एसयूवी सेगमेंट की ये कार है। इसकी यूनिट की बात करें तो 13,398 यूनिट इस कार की सेल हुई थी मई 2023 के अंदर। 5 नंबर के ऊपर टाटा की एसयूवी सेगमेंट की जो कार है, पेट्रोल के अंदर और डीजल के अंदर दोनों के अंदर ही ये आती है, टाटा की नेक्सोन गाड़ी रहने वाली है, जिसकी यूनिट की बात करें तो 14,428 यूनिट और मई 2023 के अंदर ये सेल हुई थी। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर के ऊपर हुंडई की एकमात्र एक कार ऐसी है जो टॉप 10 के अंदर जगह बनाने के अंदर काबिज है। उसके अलावा और नहीं है जो टॉप 10 कार सेलिंग के अंदर मई 2023 के अंदर मौजूद थी। मई 2023 के अंदर जो कार सेल हुई थी वो 14,449 यूनिट सेल करी थी मई। अभी 3 नंबर पे जो मई 2023 के अंदर वो मारुति की एक कार है, उसका नाम है वेगनार, जो टॉल बॉय, मतलब एकदम अच्छी खासी इसकी हाइट आती है और हमेशा ये टॉप 5 के अंदर ये कार रहती है। अभी मई 2023 के अंदर इस कार की जो यूनिट सेल हुई थी वो 16,258 यूनिट और मारुति वेगनार की सेल हुई थी। अब बात करते हैं 2 नंबर के ऊपर स्विफ्ट है, ओनली पेट्रोल के अंदर ही आती है। और सबसे ज़्यादा 2nd नंबर के ऊपर हाइएस्ट सेलिंग जो कार थी 2nd नंबर की, वो मारुति की स्विफ्ट है। इसकी बात करें तो 17,346 यूनिट टोटल कार सेल हुई थी मई 2023 के अंदर। अभी बात करते हैं 1 नंबर के ऊपर, 1 नंबर एक कार है मारुति ब्लेनो, जो मई 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा कार सेल हुई थी। इस कार की यूनिट की बात करें तो 18,733 यूनिट कार टोटल मई 2023 के अंदर सेल हुई थी 10 के अंदर। और 7 गाड़ियां मारुति सुजुकी की है, जिस और उसके अलावा टाटा मोटर्स के टॉप 10 के अंदर 2 कार्स है, वहीं हुंडई की कार्स है। तो मारुति ने ज़बरदस्त इस सेगमेंट के अंदर अपनी पकड़ बना रखी है। अभी इस तरीके के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो कि हर महीने कौन सी कंपनी की कितनी कार सेल हुई है, तो नेक्स्ट मंथ हम आपके लिए दोबारा लेकर आएंगे। बाकी आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।